हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता योर मैथ्स टीचर। आज हमारे को अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिया है। हमने ऐसा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में भी किया था। क्या करना होता है इसके लिए, पहले हमारे को प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है? वहाँ हमने थाउजेंड तक का ही बनाया था क्योंकि वो फोर डिजिट वाले ही थे। यहाँ पर फाइव, सिक्स, सेवन, एट सारी डिजिट्स हैं, तो मैंने टेन थाउजेंड तक का बनाया। और आगे चाहिएगा तो हम लाख और टेन लाख भी लिख लेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे वहाँ किया था वैसे ही करना है। काउंट करना है इन्हें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। तो फाइव पे टेन थाउजेंड आ रहा है, तो टेन थाउजेंड के नीचे लिखेंगे फाइव, ठीक है? देन वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड के नीचे क्या लिखेंगे? सेवन। देन वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड के नीचे क्या लिखेंगे? सिक्स। वंस, वंस के नीचे क्या लिखेंगे? एट। ये रहा, टेंस वाला कॉलम खाली था, तो जो खाली कॉलम होता है उसमें क्या लिखते हैं हम? ज़ीरो, ठीक है? सिमिलरली एक और पार्ट किया है मैंने, ये वाला। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख। तो टेन लैख के नीचे लिखेंगे थ्री। अब आप ये टेन लैख तक बनाओगे, तो मैंने टेन लैख के नीचे थ्री लिख दिया, ठीक है? नेक्स्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड के नीचे लिखोगे सिक्स। वंस, टेंस, टेंस के नीचे लिखोगे फाइव। वंस, वंस के नीचे लिखोगे एट। ये रहा, लैख, टेन थाउजेंड और थाउजेंड वाले ब्लैंक थे, तो इनमें मैंने क्या किया? ज़ीरो लगा दिया, ठीक है? बाकी के दो पार्ट आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या था? खोल के लिखना। तो टू, टू के आगे कितने डिजिट है? फोर डिजिट है, तो चार ज़ीरो लगाएंगे, 20,000। प्लस थ्री के आगे तीन डिजिट है, तीन ज़ीरो लगाएंगे, 3,000। ये मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, मैंने पार्ट भी लिखा है। सेकेंड पार्ट से किया है मैंने, वन काउंट किया, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव डिजिट लगाई, वन लैख। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख। तो वन लैख लिखा, प्लस 90,000, प्लस 2,000, प्लस 300, प्लस 70, प्लस 2। एक तरीका ये बताया था मैंने आपको, दूसरा आप डिजिट काउंट करके ज़ीरो लगा सकते हो। सेम वही प्रोसेस है जो आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं। बस फ़र्क इतना है, वहाँ फोर डिजिट थी, यहाँ फाइव, सिक्स डिजिट हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। सिमिलरली ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख। तो सिक्स लैख, प्लस ज़ीरो का तो लिखते ही नहीं मैंने, यहाँ फिर भी एक एक ज़ीरो लिख दिया। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, 200 प्लस 40 प्लस ज़ीरो, ठीक है? तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या है? सक्सेसर मतलब एक आगे वाला नंबर। इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, जस्ट आफ्टर, मतलब एकदम बाद वाला नंबर जो होता है। तो 90,000 में 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा। इसमें 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा। इसमें 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा। मैंने दो पार्ट किए हैं, 1 प्लस किया, सक्सेसर आ गया, देन इसमें 1 प्लस किया, इसका सक्सेसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको प्रीडिसर बताना है। प्रीडिसर मतलब क्या था? एक पहले वाला नंबर या फिर जस्ट बिफोर। तो इसमें हम क्या करते हैं? माइनस 1 करते थे, ठीक है ना? तो इसमें माइनस 1 करेंगे तो इसका प्रीडिसर आ जाएगा, इसमें करेंगे तो इसका प्रीडिसर आ जाएगा। ये रहे दोनों पार्ट, आपको पता है ना ये 1 कहाँ लिखना है? 0 के नीचे लिख के 1 माइनस करना है। कुछ स्टूडेंट 8 के नीचे 1 लिख के माइनस करते हैं, वो गलत है। डिजिट हमेशा पीछे से लिखनी शुरू करते हैं, इसलिए 1 को 0 के नीचे लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे कैरी लेके। उसी तरीके से 9 के नीचे 1 लिखेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट फोर टर्म्स। देखो इसमें आपको ये पैटर्न्स दे रखे हैं और इनकी आगे वाली टर्म्स आपको लिखनी है, नंबर आपको लिखने हैं। सबसे पहली बात, इस पैटर्न को मेन है, पैटर्न समझ आना चाहिए, उसके बाद आप आगे वाली डिजिट ईजिली लिख सकते हो कि कौन कौन सी होंगी। अब आप देखो यहाँ पर है 9310, यहाँ है 9316, यहाँ है 9322। आप बताओ इनमें कितने कितने का गैप है, मतलब आपने इसमें कितना प्लस किया कि ये आ गया 6। पता चला है ना, यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, तो 6 ही प्लस किया होगा तभी तो यहाँ 16 बना।
सिमिलरली इसमें कितना प्लस किया कि ये आ गया, तो भी आपने 6 ही प्लस किया है। 16 में 6 प्लस करोगे तभी तो 22 आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो आगे वाली दोनों डिजिट तो सेम ही है तीनों केस में। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, हर बार 6 6 प्लस कर करके लिख रहे हो। इसमें 6 प्लस करो यहाँ पर लिख दो, जो आंसर आएगा उसमें 6 प्लस करो यहाँ लिख दो, जो आंसर आएगा उसमें 6 प्लस करो यहाँ लिख दो, जो आंसर आएगा उसमें 6 प्लस करो और यहाँ लिख दो। कंप्लीट हो गया पैटर्न। पैटर्न में सिर्फ ये है, आपको पता होना चाहिए इस पैटर्न में कौन सी ट्रिक लगी है, किस तरीके से नेक्स्ट वाला नंबर आया, उसके बाद आप आगे के नंबर ईजिली लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें 6 प्लस कर करके ये पैटर्न के आंसर ये लिख दिए फर्स्ट वाले के। ठीक है, मैं आपको सारे यहीं पर समझा देती हूँ, सॉल्यूशन आप बाद में देख लेना फिर। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर है 26538, 26547, आप देख रहे हो हर बार 265 तो सेम ही है। तो 38 में कितना प्लस किया कि 47 आ गया, अगर हम काउंट करें तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 46, कितने कितना प्लस किया 8, 46, 47, तो 9 प्लस किया, मतलब 38 में 9 प्लस किया तो 47 आया, 47 में 9 प्लस किया तो 56 आया। तो अब क्या करूं, इन सारे नंबरों में 9 9 प्लस करके लिखते रहते हैं, अब इसमें 9 प्लस करो यहाँ लिख दो, जो आएगा उसमें 9 प्लस करो यहाँ लिख दो, जो आएगा उसमें 9 प्लस करो यहाँ लिख दो, जो आएगा उसमें 9 प्लस करो यहाँ लिख दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो अब थर्ड वाला 420921, 420913, 420905, आप देख रहे हो अभी तक आपने जो दो पार्ट किए हैं उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, 10 के बाद 16 के बाद 22, 38, 47, 56 आगे की साइड जा रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, ये तो सेम ही है 4209, 4209, 21 के बाद 13, 13 के बाद 05, पीछे की साइड आ रहे हैं रिवर्स। तो जब भी हम आगे की साइड जाते हैं ना तो प्लस किया होगा ज़रूर कुछ, तभी आगे जा रहे हैं। जब भी हम पीछे की साइड आते हैं इसका मतलब हमने कुछ इसमें माइनस किया है। कुछ नहीं करना, इस पूरी डिजिट में से इस पूरी डिजिट को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 8, 8 ही आएगा ना। तो इसका मतलब इसमें से 8 माइनस किया तो ये आया, इसमें से 8 माइनस किया तो ये आया। अब इस पूरी डिजिट में से 8 माइनस कर दो, वो लिख दो, जो आएगा उसमें से फिर 8 माइनस करना, और पूरी डिजिट में से माइनस करना। मैं लास्ट वाले नंबर नहीं कह रही अब, क्योंकि यहाँ माइनस करना है, कैरी भी लेना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ जो आंसर आएगा उसमें से 8 माइनस करके यहाँ लिखोगे, यहाँ जो आंसर आएगा उसमें से 8 माइनस करके यहाँ, देन यहाँ जो आंसर आएगा उसमें से 8 माइनस करके यहाँ। ठीक है, ये भी उसी की तरह ही है, 45940, 45840, 45740, वैसे ही आसान है, पर इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 100 आएगा माइनस करके, इसका मतलब आपको पता चल गया 100 100 माइनस करना है, तो आप हर बार 100 100 माइनस करके लिख दोगे। दूसरा तरीका आप देख रहे हो, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 100 वाला प्लेस चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी सारे प्लेसेस पे सेम नंबर है, यहाँ 7 है, तो अब क्या आएगा, 45640, उसके बाद 45540, तो 100 वाले प्लेस में कम करते रहो 11। ये दूसरा तरीका है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप 100 100 माइनस करके करो, वो भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द नंबर फ्रॉम दिस टू दिस काउंटिंग बाय 100 इन रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब उल्टा रिवर्स काउंटिंग लिखनी है 100 100 स्किप करके। आपने थर्ड में स्किप काउंटिंग सीखी होगी, स्किप बाय 2, स्किप बाय 5, यहाँ पर 100 है, बाय 100 से इसमें से 100 माइनस करो, लिख दो, मैं बताती हूँ यहाँ पर ये आएगा, इसमें से 100 माइनस करोगे 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 ये आएगा। कब तक करें 100 माइनस, ये भी तो पता होना चाहिए हमको। तो लास्ट नंबर क्या है, 164509, यहाँ तक आना था ना हमें, इनके ही नंबर लिखने थे ना, तो देखो आगे 164509 आ गए ना यहाँ तक। तो ये नहीं है 100 माइनस बोला है तो करते रहो करते रहो, ये भी देखना है कि कहाँ तक करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.4। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।